वेलकम टू स्कोलास्टिक क्लासेस। तो इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं दैट इज इन कॉन्टिन्यूएशन विद द प्रीवियस वीडियो जो जिसमें हमने रैशनलाइजेशन सीखा था कि रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं और रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी फॉलो व्हाइल वी आर डूइंग रैशनलाइजेशन। सो ये उसका पार्ट टू है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि रैशनलाइजेशन को यूज करके अगर हमें जैसे ये क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें हमें वैल्यू निकालनी है ए की, सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड पी। सो एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें हमें दो वेरिएबल्स गिवन होंगे ए एंड बी एंड हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे यूजिंग रैशनलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। सो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे 5 + √3 over 7 + √3। नाउ हमने ये प्रीवियस वीडियो में अपना सीखा था कि रैशनलाइजेशन जब हम करते हैं तो पहले हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। सो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले हम अपना डिनोमिनेटर चेक करते हैं। सो इस केस में हमारा डिनोमिनेटर है 7 + 4√3। सो हमने सिर्फ साइन चेंज करना है। अगर यहाँ प्लस है, 7 दो टर्म्स के बीच में प्लस है, सो आप उसके कॉन्जुगेट में उसका साइन चेंज कर देंगे। सो दैट विल बिकम 7 - 4√3। सो ये आ गया कॉन्जुगेट। अब इस कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। So this is 7 - 4√3 over 7 - 4√3, right? So अब देखते हैं what will be the next step. पहले हम numerator को numerator से multiply कर रहे हैं। Now here our numerators are different in both the cases. इधर 5 + 2√3 है, इधर 7 - 4√3 है। So आपको basically इसको multiply करना पड़ेगा। So when you are multiplying this, तो पहले हम 5 लेंगे। 5 को हम इस पूरी term के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज 7 - 4√3 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल टेक 2√3। इस 2√3 को लेंगे और इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द न्यूमरेटर। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में देखिए हमने लास्ट जो वीडियो में सीखा था कि आइडेंटिटीज का कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 7 + 4√3 है और दूसरे में भी 7 और 4√3 है, लेकिन साइन चेंज है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। सो दैट मीन्स वी कैन यूज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी कौन सी आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे ए क्या है हमारे पास 7, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिनोमिनेटर हियर। सो ए इज 7 हियर, दिस इज ए एंड दिस इज बी, राइट। सो ए स्क्वायर हो जाएगा 7² - b² विल बी 4√3 का होल स्क्वायर। नाउ लेट्स सी कि हम न्यूमरेटर को आगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर को पहले तो आप नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन ही करिए और जस्ट ओपन द ब्रैकेट। सो वी विल राइट 35 - 20√3 प्लस, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो दिस वुड बी 7 × 2 = 14√3 - 4 × 2 = 8। एंड देन यू हैव सी, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रही हूँ, 2√3 को जब आप 4√3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, पहले 4 और 2 को करा 8 आ गया आपके पास, देन आपके पास √3 और √3 बचा हुआ है, राइट। सो √3 और √3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 3 विच इज 24। सो यहाँ पे आई एम राइटिंग 8 × 3 विच इज 24। सो आई एम राइटिंग हियर 24, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर 7² = 49 एंड दूसरा टर्म आपके पास है 4√3 का स्क्वायर। 4√3 का स्क्वायर मतलब 4√3 को आप 4√3 से कर रहे हो, राइट। नाउ 4 × 4 = 16, √3 को √3 से करोगे यू विल गेट 3। सो 16 × 3 विच विल गिव यू 48। नाउ डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा, 1, 49 - 48 = 1। न्यूमरेटर में देखते हैं 35 है इधर, पहले हम नॉर्मल नंबर्स कॉन्स्टेंट को ले लेते हैं, 35 - 24, सो दिस विल गिव अस 11, राइट। नाउ ये वाली दो टर्म्स देखते हैं, अब ये दोनों में √3 √3 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वी हैव -20√3 + 14√3। सो दोनों में क्या चीज कॉमन है, एक चीज जो कॉमन है दैट इज √3। सो आई एम टेकिंग √3 आउटसाइड, अंदर क्या बचेगा, हियर लेट्स लुक एट द फर्स्ट टर्म। इसमें से √3 आप ऑलरेडी ले चुके हो, सो आपके पास क्या बचा, -20। दूसरे में भी आप √3 ऑलरेडी ले चुके हो तो आपके पास बचा 14। सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस, -20 + 14, दिस इज गोइंग टू गिव यू -6,
और रूट थ्री आपके पास एज इट इज. सो 11 माइनस 6 रूट 3, ये आपके पास बचता है ओवर 1. डिनोमिनेटर तो 1 है. नाउ हमारे को क्वेश्चन में क्या था, पहले हमें इसको सॉल्व करना था एंड नाउ यू पुट इट इक्वल टू ए माइनस 6 रूट 3 बिकॉज आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट. सो लेट मी पुट इट इन रेड कलर, ए माइनस 6 रूट 3. और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट. सो यहाँ पे देखो, अब आपके पास माइनस 6 रूट 3 माइनस 6 रूट 3 दोनों केसेस में यहाँ पे सेम आया हुआ है. सो व्हाट इज ए, ए इज 11. सो वैल्यू ऑफ ए इज 11, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, विच वुड बी ए एज वेल एज बी. सो द क्वेश्चन इज 7 प्लस रूट 5 ओवर 7 माइनस रूट 5, और साथ में आपके पास दूसरा है 7 माइनस रूट 5 ओवर 7 प्लस रूट 5 इक्वल्स टू ए प्लस 7 बाय 11 रूट 5 बी, राइट. तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, ए बी है और डी बी है, राइट. सो हमें दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगेन पहले वी ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस पार्ट, लेट्स सी हाउ वी कैन सिंप्लीफाई इट, और फिर हम देखेंगे कि अगर रैशनलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो हम रैशनलाइजेशन भी करेंगे. बट यहाँ पे इस केस में देखिए, आपके पास यू हैव अ माइनस साइन इन बिटवीन दिस. सो यहाँ पे लेट्स सी, कैन वी टेक द एलसीएम? यस वी कैन. सो हम यहाँ पे पहले देखते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा 7 माइनस रूट 5, 7 प्लस रूट 5, करेक्ट. ऑलराइट, नाउ न्यूमरेटर देखते हैं, न्यूमरेटर में क्या होने वाला है हमारे पास. न्यूमरेटर में 7 माइनस रूट 5 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 7 प्लस रूट 5, पहले हम ये वाला एक्सप्रेशन देख रहे हैं, तो 7 प्लस रूट 5 नहीं है, तो हम इसको 7 प्लस, अपने न्यूमरेटर को 7 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 7 प्लस रूट 5, 7 प्लस रूट 5 दो टाइम हो गया, तो मैं सीधा यहाँ पे स्क्वायर लिख रही हूँ, राइट. माइनस यहाँ पे देखो, अगेन इस टर्म में 7 प्लस रूट 5 यहाँ एलसीएम में है, कौन सी टर्म नहीं है, 7 माइनस रूट 5. सो हम अपने न्यूमरेटर को 7 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. सो 7 माइनस रूट 5 ऑलरेडी यहाँ है, अब इसको मैं 7 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, दैट मीन्स मैं इसका स्क्वायर ले सकती हूँ, राइट. सो अदर वे ऑफ सीइंग इट, अगर आप इसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, सो आप इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो. आपको एलसीएम समझ आ गया, एलसीएम कैसे लेते हैं ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हो. सो यहाँ पे देन यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई ऑल्सो, राइट. सो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं. नाउ यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी सीखा था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे एक्सपैंड करते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. सो यहाँ पे हम ये वाला आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं. वॉट इज ए, पहले मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, आई एम मार्किंग इट एज विद ग्रीन कलर. सो दिस इज ए, ए यहाँ पे क्या है 7 और बी क्या है रूट 5. अब इस पे ये एक्सपेंशन लगाइए, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी, राइट. ओके, नाउ सेम वी विल यूज फॉर दिस 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, बट यहाँ पे आइडेंटिटी में ए माइनस बी स्क्वायर यूज होगा. सो आपका जो एक्सपेंशन होगा दैट वुड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, राइट. सो इसको हम आगे यहीं पे लिखते हैं, आई एम जस्ट इरेजिंग दिस सो दैट हमें यहाँ जगह मिल जाए सॉल्व करने के लिए. ओके, ये हम माइनस साइन है यहाँ पे, सो आई एम यूजिंग माइनस हियर एंड देन इसको आगे लिखते हैं, विच इज ए स्क्वायर. अगेन यहाँ ए है ये और बी है रूट 5, सो ए इज 7, ए स्क्वायर, और मैं इसको यहाँ ब्रैकेट्स में कर रही हूँ. तो जब भी आपके पास माइनस होता है ब्रैकेट पहले, तो हम जो आगे की टर्म्स है एक्सप्रेशन है उसको हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं. सो दिस विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए टाइम्स बी, राइट. नाउ लेट्स सी द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में हमें सीधी सी आइडेंटिटी लग जाएगी, विच इज ए प्लस बी ए माइनस बी, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ए स्क्वायर हमारे पास है 7 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज रूट 5 स्क्वायर. सो सबसे पहले हम अपना डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज दैट इज इजी.
49 माइनस रूट फाइव का स्क्वायर क्या होगा, रूट फाइव मल्टीप्लाई विद रूट फाइव क्या हो जाएगा, फाइव. दिस विल बी 49 माइनस फाइव विच विल गिव यू, आगे हम अभी देखते हैं, 44. राइट, सो यहाँ पहले इसको भी सॉल्व कर देते हैं साथ साथ न्यूमरेटर को. 49 प्लस 5 प्लस ये हो गया 14 रूट 5 माइनस यहाँ पे आपके पास है 49, मैं इसको ब्रैकेट में लिख रही हूँ, 49 प्लस 5 माइनस 14 रूट 5 इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे सारे, दिस वी हैव टू कीप इन माइंड. सो यहाँ पे अब देख रहे हो आप टर्म सारी सेम है, अगर हम साइन चेंज करेंगे दे कैन कैंसल आउट, ठीक है, दे विल कैंसल आउट. तो मैं यहाँ पे साइन चेंज कर देती हूँ, दैट्स व्हाई अभी मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रही हूँ. सो यहाँ पे माइनस लिख दिया, 49 माइनस 5, यहाँ पे साइन प्लस था माइनस हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी प्लस 14 रूट 5 ओवर 44. राइट, नाउ 49 और 49 कैंसिल आउट बिकॉज एक प्लस का है एक माइनस का है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, सो यू आर लेफ्ट विथ 14 रूट 5 एंड 14 रूट 5. करेक्ट, नाउ यहाँ पे हम आगे देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 14 रूट 5 प्लस 14 रूट 5 ओवर 44. Now, 14 and 14 will give you 28. यहाँ पे आप सॉल्व करने के लिए पहले रूट फाइव दोनों में कॉमन है, सो दिस विल बिकम 28 रूट फाइव ओवर 44. नाउ यू कैन कैंसिल आउट 44 एंड 28, इसको अगर आप कैंसिल आउट करते हो यू विल गेट, लेट्स कैंसिल आउट विद, हम इसको 4 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं सीधा, this would be 11 and this would be 7, so answer is 7 over 11 root 5. right, ab hamare paas question mein kya tha, question mein hamare paas tha hame ye equal to mein ye given hai, to main yahan pe hamare paas hai 7 upon 11 root 5 equals to a plus 7 by 11 root 5 b. right, now हमने ये वाला पार्ट तो सॉल्व कर लिया जिसमें हमारे पास बचता है 7 ओवर 11 रूट 5. राइट, सो अब इक्वल्स टू में हमने लिया a प्लस 7 बाय 11 रूट 5 b. अब यहाँ पे हमको एक टर्म नहीं गिवन, दैट इज इसको हम जीरो ले सकते हैं, सो दिस इज a इज इक्वल टू जीरो एंड b आपका क्या हो गया, ये वाली टर्म तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ है, सो वॉट इज b, b वुड बी 1, सो b इज इक्वल टू, आई होप दिस इज क्लियर. तो हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, एक में हमने ए की वैल्यू निकाली है और दूसरे क्वेश्चन में हमें दो वेरिएबल्स गिवन थे ए एंड बी, एंड हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करी है.